नाम ऋचा घोष, पेशा भारतीय महिला क्रिकेटर, भूमिका विकेट कीपर बल्लेबाज, बैटिंग स्टाइल दाएं हाथ की बल्लेबाज, बॉलिंग स्टाइल दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाज, जर्सी नंबर 13, टीम इंडिया वीमेन, इंडिया अंडर 19, ट्रेल ब्लेजर्स, होबार्ट हरिकेन्स वीमेन, कोच या मेंटर गोपाल साहब बिबेल सरकार, ऋतुप्रणा रॉय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, T20 डेब्यू 2 फरवरी 2020 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वनडे में डेब्यू 21 सितंबर 2021 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, टेस्ट में डेब्यू अभी तक नहीं हुआ। ऋचा घोष का जन्म रविवार 28 सितंबर 2003 को सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम मनवेंद्र घोष और माता का नाम स्वप्ना घोष है, जो एक गृहिणी है। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम सोमाश्री घोष है। कहानी की शुरुआत ऋचा के पिता मानवेंद्र घोष से करते हैं। मानवेंद्र घोष क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलते थे और उनको जल्दी ही पता चल गया था कि वे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे, पर क्रिकेट के प्रति जुनून काफ़ी था। इस कारण बंगाल में ही क्रिकेट अंपायरिंग करने लग गए। अपनी छोटी सी गुड़िया ऋचा को मैदान में अपने साथ लेकर जाते थे। बहुत जल्दी ही ऋचा को क्रिकेट रास आने लग गया और इनके पिता ने देखा कि ऋचा को लड़कों की तेज़ गेंदबाजी से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो स्वाभाविक रूप से अच्छे शॉट्स लगाने लग गई और 10-11 की उम्र में ही काफ़ी शानदार क्रिकेट खेलने लग गई थी। कहते हैं ना, कुछ खिलाड़ी कुदरती टैलेंटेड होते हैं, कुछ ऐसा ही टैलेंट था ऋचा घोष में। पर साथ ही कहते हैं कि हर कहानी में संघर्ष होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है। तो कुछ यूं समझ लीजिए, इस कहानी में ऋचा के पिता मानवेंद्र ने काफ़ी भागदौड़ की अपनी बेटी ऋचा और परिवार के लिए। इनके पिता को ऋचा की बीमार माँ को देखना पड़ता, इनकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी देखनी पड़ती और साथ ही ऋचा की क्रिकेट ट्रेनिंग और खेल भी देखने पड़ते। जब कभी ऋचा के मैच होते तो ये 12-13 घंटे सफ़र करके इनको ऋचा के साथ कोलकाता जाना पड़ता, क्योंकि ऋचा बहुत छोटी थी। इन सब के चलते इन्होंने अपना बिजनेस ही समेट लिया। ऋचा घोष ने भगा जतिन क्लब से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरुआत की। इनके टैलेंट का जल्दी ही सबको पता चल गया और 11 साल की उम्र में बंगाल की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गई और अगली साल बंगाल की अंडर 23 टीम में खेलने लग गई। साल 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में इनको बंगाल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। इतनी काबिलियत और टैलेंटेड लड़की सबकी नज़र में जल्दी ही आ ही जाती है और यही हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में चयन हो गया। ऋचा घोष के खेल कूद के आंकड़े से भले ही न पता चल रहा हो कि ये कितनी विस्फोटक बल्लेबाज है, पर आने वाले कुछ समय में विदेशी गेंदबाजों के उदास चेहरे देखकर जरूर पता लग जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 फरवरी 2022 को खेले गए मैच में ऋचा घोष ने सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक बनाकर भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मात्र 28 गेंदों की पारी में ऋचा ने 4 छक्के और 4 चौके लगाकर ताबड़तोड़ 52 रन की पारी खेली। अभी ऋचा घोष ने क्रिकेट के कुछ ही मैच खेले हैं, पर जिस तरह से इनकी अप्रोच रहती है और जिस आत्मविश्वास से विस्फोटक बल्लेबाजी करती है, आने वाले समय में भारतीय टीम को इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीद है। इस T20 वर्ल्ड कप 2023 में ऋचा घोष एक मैच विनर खिलाड़ी बनकर आ सकती है। ऋचा घोष महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक परिपक्व विकेट कीपर के साथ साथ एक बहुत शानदार फिनिशर बल्लेबाज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋचा घोष मध्यम गति की गेंदबाज भी है। इन्होंने ये गेंदबाजी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में ही सीखी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 में जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी से ढेरों रन बनाने वाली ऋचा घोष T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए मैच विनर के रूप में छाप छोड़ सकती है। इस प्रतिभावान खिलाड़ी पर सबकी नज़रें रहने वाली है।